भाई ने भेजा है रॉयल मेल से कुछ, यहाँ पे मेरा एड्रेस है, ये नहीं दिखाऊंगा मैं। ये कैसे है, मतलब इसका क्या सीन है, ये चलाएगा कौन है? अगर मैं उसको ये बोलूँ कि 1000 किस चीज के ले रहे हो, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ये सिम बहुत जरूरी थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कौशिक डी ट्रैवलर में। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन की शुरुआत में अभी घर से बाहर निकला था, पहले मैं चला गया था पड़ोस में, तो वो वीडियो मैं अब डालूंगा, मैंने स्टार्ट नहीं की थी, तो मैं अब डाल देता हूँ उस शॉट को थोड़े से इसकी इस शॉट के बिल्कुल बाद। तो आज के दिन की शुरुआत हुई है और पवन भैया हमारे यहाँ पर आए हुए हैं घर पर, तो देखते हैं आज क्या क्या करेंगे। वो सब के लिए आज से ही वीडियो की शुरुआत की है। और आज भी सर्दी काफ़ी है, धूप निकली थी एक्चुअली पिछले एक दो दिन ना, थोड़ी सी धूप निकली है, मतलब 10-15-20 मिनट के लिए, लेकिन आज भी कोई धूप नहीं है। देखो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ से बाहर का शहर पूरा दिखता है, लेकिन देख रही होगी आपको फोगी फोग दिख रही होगी हल्की हल्की, तो धूप आज भी नहीं है भाई, वापस से सर्दी होगी। दो दिन के लिए वेदर थोड़ा सा ठीक हुआ था, धूप थोड़ी सी आई थी, लेकिन अब नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अब तो सर्दी वापस से हो गई है। चलो देखते हैं आज क्या क्या करेंगे। अभी के लिए मैं किसी की दुकान की फ्रेंड की दुकान पे आया था, उसकी छत के ऊपर हूँ। आ गया भाई, मैं अपने पड़ोस के घर में, वहीं पे सब लोग सेक रहे हैं यहाँ पर हाथ, तो सुबह होते यहाँ पर आना था। राजीव भाई है, सुनार का काम करते हैं, मतलब घड़ाई का काम, हाथ सेक रहे हैं। आंटी जी छिल रहे हैं यहाँ पर आलू, आज आलू के पराठे बनाएंगे। सही है, ये बढ़िया चीज़ है भाई, सर्दियों में ना आग जलाओ, ऐसे बैठ जाओ, दूध ना ना पियो पियो पियो, बढ़िया भाई। मेहनती बच्चे हैं दोनों प्लेयर, डाल रखे हैं, देखो ड्रेस भी वही डाल रखी है। देखो भाई मनु आ गई और एक एक्सरसाइज कर रही है सुबह सुबह यहाँ पर आकर, मम्मी ने बिठा रखी है गोद में और यहाँ पर ऐसे एक्सरसाइज कर रही है लेटे हुए, सर्दी में इसने नई मस्ती आई है इसके अंदर, ये उल्टा लेटने वाली। अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर पे और घर पे आते ही फ़ोन आया है। एक्चुअली मेरे भाई ने मेरे लिए कुछ भेजा है, मेरे लिए भी क्या उन्हीं का सामान था कुछ ज़रूरी, वो उन्होंने भेजा है, मेरे को ज़रूरत थी उस सामान की, तो वो सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। बता भी पोस्ट ऑफिस से फ़ोन आया था, तो वो आ रहे हैं यहाँ पर घर के बाहर, एक्चुअली गली के बाहर आएंगे, तो वहाँ से वो सामान पिकअप करते हैं पहले, फिर दिखाता हूँ आपको आया क्या है। तो भाई ये तरुण भाई ने भेजा है रॉयल मेल से कुछ, यहाँ पर मेरा एड्रेस है, ये नहीं दिखाऊँगा मैं, अभी खोल के देखता हूँ इसमें आया क्या है। वैसे मुझे आइडिया तो है इसमें क्या भेजा है, हल्का सा पैकेट है भाई, इसको आने में लग गए 2 महीने क्योंकि यूके में चली हुई थी स्ट्राइक। तो भाई इसके अंदर है सिम और एक है एटीएम, जो भाई लेके गए थे साथ अपने वहाँ पे लंदन, तो उन्होंने वहाँ से भेज दिया क्योंकि वहाँ पे तो कोई काम आ नहीं रहे थे, तो इनकी ज़रूरत मुझे थी तो मैंने मंगवा लिए एटीएम वगैरह। और वहाँ पर चली हुई थी इसकी स्ट्राइक रॉयल मेल वालों की, इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब 2 महीने लग गए इसको आने में, बहुत टाइम लग गया भाई आने में। चलो कोई नहीं, अब तो आ गया, काम बन जाएगा अपना। तो भाई ये काम तो निपट गया, ये जो कोरियर आना था आ गया, इसका भी जो बहुत सारे काम है वो कर लेंगे यार। एक तो सिम चालू करवा के आनी है मुझे, वो ना सिम एक्चुअली मेरी डीएक्टिवेट होगी क्योंकि वो लगभग 1 साल से थी वहाँ पर, तो ये डीएक्टिवेट होगी, इसको भी ठीक करवाते हैं अभी जाके। और एक ना सामान लेके आना है पहले मुझे कुछ ना, संगम भाई का फ़ोन आया था, वो लेके खड़े हुए हैं कहीं पे, तो उनके पास बाइक तो थी लेकिन वो अकेले हैं, मेरे को पवन भाई वहाँ पर छोड़ देंगे, उसके बाद वहाँ से सामान लेके आ जाऊँगा, क्योंकि उनके पास एक ना पेटी सी है, बोल तो रहे थे ऐसे ही, उसको कुछ पता नहीं है, वैसे बहाने लगा के बुला लेता है मुझे कुछ भी, तो एक सामान लेके आना है, वो लेके आता हूँ पहले जाके, फिर देखते हैं सिम भी एक्टिवेट करवाएंगे, वो देखते हैं कैसे होगी। ये लड़का सर्दियों के मौसम में मेरे साथ धोखा कर रहा है भाई, पहले ही ना सामान पीछे रख के बैठ गया और चाबी दे दी मेरे को कि बाइक चलाओ भाई, अब इसको चलाए कौन, सर्दी ज़्यादा है भाई। ये कैसे है, मतलब इसका क्या सीन है, ये चलाएगा कौन है भाई, ठंड बहुत है यार, तुम चला ले, मैं पीछे बैठ जाऊँ। चलो यार आज तो चलाना पड़ेगा, मतलब फंस गया अब, इसके पास सामान भी और पीछे बैठ गया, मेरी सीट आगे छोड़ गए, ठीक है भाई कोई बात नहीं, आगे देखूँगा कभी ना कभी। और संग भाई ने ना मुझ पर बाइक और चलवा ली यार, वो आपने देखा ही होगा, इतनी ठंड में यार बाइक चलानी मुश्किल हो जाती है वैसे यार, ठंड बहुत थी, मैं तो शुक्र है चलो चल तो गई, अब मैं आ गया घर पे, लेकिन थोड़ी सी दूर से आना था, ये बात ठीक रहेगी, दूर से आना होता तो भाई ठंड बहुत थी। और ना सिम के लिए भी मैं जाके आया हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद अब दोबारा घर पे आया हूँ, तो ये सिम ना एक्चुअली ये VI की सिम मैंने ली, वो ना भैया कि जियो में पोर्ट करवाई थी, लेकिन वो क्या शुरू नहीं हो पाई, पोर्ट तो होगी थी लेकिन वो फ़ौरन में चले गए थे, तो फ़ौरन से वो सिम जब मैंने कोरियर करके मंगवाई, अब ये स्टार्ट करवाई ना भाई, वैसे तो मुझे पता है कि इसमें कोई चार्जेज नहीं लगते, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी
तो वो बंदा जो है ना जिसने स्टार्ट की, 1000 रुपये ले भाई मुझसे 1000। अगर मैं उसको ये बोलूँ कि 1000 किस चीज़ के ले रहे हो, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ये सिम बहुत ज़रूरी थी, उसने मेरे से 1000 रुपये लिए और ये सिम दी। 1 महीने का रिचार्ज वैसे मिला है, शायद हो सकता है कंपनी की कोई पॉलिसी हो, लेकिन ये मुझे पक्का पता है कि 1000 रुपये नहीं लगते, 500-400 रुपये लगते हैं, ये बात तो पक्का है, लेकिन उसने मुझसे 1000 रुपये लिए। चलो कोई नहीं यार, लेकिन मुझे ये सिम बहुत ज़रूरी थी चलवानी, क्योंकि इसी से सारा इनकम टैक्स वगैरह का काम होता था भाई का, उनकी फाइल रुकी हुई थी वो भी करवानी थी, तो ये सिम मुझे ज़रूरी थी निकलवानी। चलो जैसा भी होता है, लोग जो भी करते हैं ठीक है, शायद हो भी यार, मुझे पक्का भी नहीं पता, क्या पता उसकी पॉलिसी हो भी उसकी कंपनी की कोई 1000 रुपये लेके शुरू करने वाली, क्योंकि 1 साल से सिम डीएक्टिवेट थी, मैंने पोर्ट भी कर दी थी, पोस्ट पेड से प्रीपेड भी करवाई है, शायद लग भी गए हो, पक्का मैं कुछ नहीं कह सकता। चलो जैसा भी हुआ, खर्चा हुआ लेकिन चल गया। देखो भाई, बुआ जी आए हुए हैं और बुआ जी लेके आए हैं नई जर्सी, मम्मी ने दिलाई है मकर संक्रांति के लिए। बुआ जी कह रहे टैटू अंदर कर, टैग अंदर करने के लिए कह रहे। कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है बुआ जी, बुआ जी को बहुत पसंद आई है, बुआ जी शीशे में देख रही हैं अपने। भाई बुआ जी के लिए चप्पल भी आई हैं, मतलब अच्छी हैं चप्पल, ये भी अभी मम्मी लेके आई है मार्केट से, आपने पसंद आई थी बुआ जी, बुआ जी को ये भी पसंद आई थी, बुआ जी ने वो कोट तो कर लिया चेंज, अच्छी हैं भाई चप्पल भी, मतलब बाहर आने जाने में भी और घर भी डाल सकते हैं, सही है डालना बुआ जी, सही है मतलब कम्फर्ट है डालने में, सिंपल सही है, सिंपल सही है वैसे, बढ़िया है बुआ जी, सिंपल सही है। भाई मैं पवन भाई को फ़ोन दे रहा था, सैमसंग का ले नहीं रहे। गिफ्ट दे रहा हूँ गिफ्ट। ये बच्चों के खेलने की डम्मी है भाई। हेलो। पवन भाई आ गए हैं बाहर से, अपने घर गए हुए थे थोड़ी देर के लिए, और ये फ़ोन देख रहे हैं, कह रहे इसमें तो कैमरा भी लगा हुआ है, मैं ले जा तू खेल लियो इसके साथ, ये डम्मी एक्चुअली फ़ोन नहीं है भाई, सैमसंग की डम्मी है कोई, वो पड़ी हुई थी मेरे पास। बच्चों के लिए है भाई, बच्चों के लिए। पवन भाई ऑलवेज ब्लैक रहते हैं बंदे, ऑलवेज ब्लैक, दोनों ब्लैक हो गए, मैंने भी ये डिकैथलॉन से ले ली और पवन भाई ने भी ऐसे ही ले रखी है, दोनों ब्लैक ब्लैक हो गए, और साथ में संगम भाई ने भी ऐसे ही लिया, वो भी ऐसे ही डाल के घूम रहे थे आज। तो पवन भी आते ही खाने लगे हैं मोमोज, तो मोमोज पे जुट गए यहाँ पर आते ही, इनको मोमोज पे हमला कर दिया इन्होंने, वाह बढ़िया लग रही है, ये तो बात है, खा ले भाई खा ले, जल्दी खा ले, तेरे लिए बनवाया स्पेशल, मैं तो खाऊंगा नहीं, टेस्ट करेंगे, मैं तो खाता नहीं भाई मोमोज। अब सुबह हो चुकी है, रात में गया था, सो अब उठे हैं, उठने के बाद बस नहा धो के अभी फ्रेश हुआ हूँ, नहा धोकर अभी रेडी हुआ हूँ बिल्कुल, आज घर पे पूजा रखी हुई है मम्मी ने, पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के अभी 9 बजे हैं, तो आज मम्मी ने पूजा रखी हुई है, तो मम्मी बुआ जी और आंटी तो बना रहे हैं खाना, यहाँ पर पापा जी भी इंस्पेक्शन करते देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, तो यहाँ पर ये पूजा होनी है, बुआ जी तब तक खाना बना रही हैं, साथ में लगी हुई हैं आंटी, ये मनुश्री की दादी, और बुआ जी पूरियाँ बेल रही हैं पूरियाँ। तो भाई आज पूरी है, आज पूजा होनी है, मम्मी ने पूजा रखी हुई थी घर पे, उनका काफ़ी मन था ये पूजा करवाने का, तो आज इसीलिए आयोजन हुआ है, अब पूजा के बाद ही मैं आपसे मिलूँगा, क्योंकि अभी काम बहुत है, सब लोग खाना वाना बना रहे हैं, तो मैं भी हेल्प करता हूँ थोड़ी थोड़ी, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, फिर देखते हैं करते हैं क्या। भाई पूजा हो चुकी है पूरी, मतलब पूजा संपन्न हो गई अपने घर पे, और अभी बस जस्ट मैंने सारी सफाई सफूई करके ना फ्री हो चुके हैं हम लोग, अब बस पवन भाई के घर पे भी पूजा रखी हुई थी उन्होंने भी, और उनके घर में 4-5 दिन से पूजा चल रही थी, इसीलिए वो कुंडरी आए हुए थे, मतलब अपने घर पे आए हुए थे, अभी वो भी चंडीगढ़ जाएंगे आज, लेकिन वो आ रहे हैं अभी मेरे पास, कुछ देर पहले ही उनका फ़ोन आया था, कह रहे मैं आ रहा हूँ, मैं चलो आ जाओ, तो भाई पूजा अच्छे से होगी, ये बढ़िया हो गया काम, और आज ना धूप निकली है चमचमाती हुई धूप, ना लगभग 1 महीने बाद निकली होगी इतनी तेज़ धूप, मतलब फुल शाइन कर रहा है सूरज, देखो फुल शाइन, एकदम क्लीन मौसम है, धूप तो पहले बीच में 1-2 बार आई है, लेकिन वो बहुत लाइट धूप आती थी, मतलब 10-15-20 मिनट के लिए आ गई बहुत हल्की, लेकिन आज तो ना फुल चमचमाती हुई धूप निकल रही है एक नंबर की, हमारी तुलसा पे भी और तुलसी माता पर और सारे पेड़ पर ना ऐसे धूप आ गई, खुश हो जाते हैं पेड़ पौधे भी, धूप मिल गई आज तो।